हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस योगिता एंड आई एम योगिता। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय द फेस्टिवल ऑफ कलर्स बट सेफली। सो आज हम लोग करने वाले हैं होली का फोटोशूट, तो अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर बाद और मेरे साथ जाने वाले हैं नीरू, कुन्नू और प्रियांशु, जो कि मेरी हेल्प करेंगे होली के फोटोशूट में। और अभी हम लोग जो है कहाँ जाने वाले हैं ये हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि अभी अभी हमें पता नहीं है कि मतलब हमें रास्ते भर में कैसा माहौल मिलने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट आज कई लोग होली खेलने लग गए हैं बट हम लोग कल खेलेंगे होली। इसीलिए जो है अभी हम लोग देखेंगे, लोकेशन हमने कोई चूज नहीं करी है कि हम लोग यहाँ जाने वाले हैं या ऐसा कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, वो रैंडमली देखेंगे कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो आप लोग भी देखना, अगर हमें लोकेशन मिली तो ठीक, वरना फिर हम लोग घर आके वापस अपने टेरेस पे शूट करने वाले हैं, ये हमने डिसाइड किया है। पहले होपफुली मिल जाए, तो पहले मैं फटक से रेडी होके आ जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बट उससे पहले तब तक आप लोग जो है कल की क्लिप्स देख लीजिए कि हमने कलर्स कैसे ढूंढे हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में। इसे अलग तो नहीं, ये देखो दिखा और ले आओगे दो वरना। ये देखो नीरू कैसा ही है, दोनों साइड से जला सकते हैं इसे, कई दोनों मेरे हाथ में फट रही है। ये यही कलर सब हाथ में लग गया। हाँ किसी में नहीं थी, मैंने कहा मैं लूंगा ही नहीं। कह रहे इसको खोल के, वो लेडी नहीं आई जो कह रही इसको खोल के आ जाएगी, मैंने कहा ऐसा चाहिए ही नहीं, मैं नहीं लूंगा मैं जो भी दोनों साइड वाले होंगे। 150 रुपये डालो। हाँ तो यहाँ पर अभी मेरा शूट का प्रिपरेशन चल रहा है। नॉर्मली मैं ये टी शर्ट पहनने वाली हूँ, हैप्पी होली वाली जीन्स, और ये सब अभी मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है कि मैं क्या पहनूंगी। और अभी मेरा कैमरा भी वहाँ पे मैंने बैटरी चार्ज पे लगा रखी है, पहले मैं इस फटक से रेडी होकर आ जाती हूँ। और मैंने अपने होली के नेल्स भी डन कर लिए हैं, सारे कलरफुल सेलेक्ट किए हैं, ऐसे कलर्स हैं, तो मैं पहले रेडी होकर जाती हूँ। मैं तो आगे बैठूंगी। हेलो नीरू, हैप्पी होली। चल हैप्पी होली, तुझे तो मैं क्या ही बोलूं, हैप्पी दिवाली। चलाओ बगैर पूरा सन्नाटा टाइप से हो रहा है बेटा। सॉरी, पहले ठीक कर दिया मैंने। पत्ते पत्ते बहुत भयंकर वाला कांटा चुभ चुका है मुझे। अच्छा नहीं, अगर गड्ढा होता, अगर मैं गिर जाती धड़ाम नीचे, तो आने से पहले कुछ ना कुछ तो करना ही वाला मुझे यहाँ पे अपने। लो भाई, थोड़ा पीछे धूप आ जाएगी। बस मुझे इस बात का डर है कि एक तो हम हॉस्पिटल के गेट के ऐसे अंदर आ रखे हैं, और यहाँ पर शायद पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है, कोई हमें गाली वाली ना करे कि तुम यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हो। तो दो घड़ी पे पहनी है। इट्स नॉट घड़ी, इट्स ब्रेसलेट एंड वॉच। मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो ये कितनी उंगलियां है, ये नहीं दिख रहा है मुझे।
दीदी मैं यहाँ हूँ। मुझे दिख रहा है तू। कितने उंगलियाँ हैं? चार उंगलियाँ, एक अंगूठा है। व्यू ले रहे हैं। और हमें यहाँ पे कुआं मिला है, थोड़ा सूखा कुआं है, पानी की जगह इसे पत्ते हैं, पत्ते वाला कुआं। मेरे को तो ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, देखो ना। hey, कम नेचुरल वाइट वाइट क्या होता है दीदी, वो जो सिर में लगाते हैं? गजरा। नेचुरल गजरा। लुक एट दिस ब्यूटीफुल। कैसे होगा? हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, यहाँ पे अच्छे से नहीं है। इसके आगे तो कोई लोकेशन नहीं थी? इसके आगे नहीं है, इसके आगे तो सारे अरे वहाँ पर भी तो है। यहाँ पर आएंगे तो ट्राई मार लेते हैं। चलो चश्मा, पहली लोकेशन फ्लॉप। अभी तो मैंने कलर नहीं निकाला और ये पहली लोकेशन में पहुँचने के बाद क्या कह रहे थे आप? हेलो चलो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर लोकेशन। तो चल ना, मैं पीछे से बैठ रही हूं। दीदी लग रही है। दीदी हाँ। लोकेशन क्या है? अच्छी, मतलब लोकेशन अच्छी है, पर फोटो अच्छी नहीं। नॉस्टैल्जिक। अच्छा, सूरज की वजह से? सूरज ज्यादा की वजह से, क्योंकि धूप शायद। हे ब्रो, अगली बार एंगल बना के आना। बिना तो फिर भी सर के ऊपर ही है। ये डस्टबिन फ्लैंक करके आना, स्काउट जैसा। क्या क्या है? बोल के देना चूड़ी है। नहीं, मुझे नहीं खोलनी पीना भी। मुझे बताने नहीं पड़ेगी। मैं बस देख रही हूँ कि क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है। क्रैक्स, मैड एंगल्स, क्रैक्स, तीन फ्रूटी, एक पेप्सी। तो अभी अपन क्रैक्स खा रहे हैं। फोटो खींची थी स्पिनर। क्या मिला? कुछ मिला फ्रिज जैसा? हम लोगों ने कुछ भी काम नहीं करा, पहले हम लोग जो है नाश्ता करने लग गए। नाश्ता इज इम्पोर्टेंट। दूसरा बिम्बो खा दिया क्या? हम लोगों ने ना शायद उधर ही साइड जाना था, हम लोग गलत ही आ गए थे। इस वाले में सुविधा नहीं है, लेकिन रोड बनी नहीं है। ऊपर और धूप अपोजिट साइड भी तो है। धूप अपोजिट साइड भी तो है। अब जी नीचे को मुड़ करके तो ऐसे ढलान वाला नहीं दिखेगा फोटो में। सर ये ऊपर पे नीचे दिखेगा रहा उस दीवार में। बगल में ही है, देख ले। आ चल। और धूप किस कड़क 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 क्या हुआ? आ, कुछ कर लो यहाँ पे, कुछ वहाँ देख लेते हैं। फोटोज कैसी आ रही हैं? नॉट गुड। हो गई बेटा होली। कौन जा रहा है? फाइनली वी आर चेंजिंग मॉडल। कि कहीं इस मॉडल के फेस में ही तो इफेक्ट नहीं है? डिफेक्ट। हाँ वही डिफेक्ट।
सो मॉडल चेंज्ड। ठीक तो आ रही है, चलो फोटो कर यार। कलर कलर चेंज जाके कलर ले के आ जा, फटक से फटक से कर जंदे, फटक से कर, फटक से। वी डोंट हैव टाइम। देखो मेरे हाथ से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है दीदी। क्या ये सेफ है मेरे हाथों में? मैं कहने वाला था क्या ये सेफ है मेरे हाथों में? नहीं, मैंने कहा कलर अगर निकालने के लिए हुआ तो। हम लोग इसको वापस रख देते हैं क्योंकि दोनों ही चीज मेरे हाथ में बिल्कुल अनसेफ है। ये इसको डाल देते हैं इधर पे। आगे दी, रुक जा एक मिनट, इसको रख देते हैं यहाँ पे। किसने बोला मुझे फाड़ने के लिए? इतने बड़े वो कदम से नहीं होगी, एक ही में किया मैंने। बालों में भी लग गया तेरे कलर। तू कैसे रखे फिर इसको? एक काम करते हैं, मैं आगे पे खड़ी रहती हूँ और आप एक बार ट्राई कर लो ये पीछे से, मतलब थोड़ा साइड साइड से आप इसे एडवाइस कर देना कि तू कैमरे में थोड़ा पीछे पीछे को जाके हाथ से शेक कर। घर पे चिपकाने की कोशिश क्यों की गई है? यही ज्यादा करना मत, उसकी बत्ती निकल जाएगी। एक तो मैं कैसे लग रही हूँ मुझे पता नहीं है। बता तो दिया, मोटो जी के राइडर रुपए कुणाल से पूछ लो। ये ला हाथ भी लगा ले, ये बस को पीछे वाला ट्राई कर ले एक बार, जाओ फिर आप वहां पे। हां पीछे वाला ट्राई कर, फिर ये टीले वाला पक्का है। ना ना तू यहीं पे आके पीछे तो आ जा, चलाओ एकदम सीधे और इधर को। हाथ से कलर मिटा दिया मैंने, अगर इसमें हिले ना तो फिर चंद दिख नहीं रहा था। हाँ अगर इतने में भी रहो तो कोई फर्क नहीं। आप आगे जाओगे ना, मैं लम्बा दिखूंगा। जलाऊं? अब अच्छे से कराना तूने हाथ में, अब मिक्स मत कर उसको। जलाऊं? चल जलाते चलो बेटा, मेरे को डर भी लग रहा है पीछे से। चलो आप वो मत करो ना, एक दो तो निकल जाएंगे घर। इतना दिन मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, दोनों साइड चलाने दी तब जाके कलर भी दिखेगा। मैंने पहले एक साइड से ट्राई कर लेते कैसा आ रहा है करके, खाली दोनों साइड चला के क्या फायदा।
तुम कैमरा तो यहाँ रखो। ज़्यादा आगे पीछे तो नहीं करोगे ना, जहाँ पे आपको जाना पहले वहाँ पर खड़े हो। यहाँ पर से जाके ना सिर्फ ऐसे ऐसे हिला देंगे बस। अच्छा ठीक है, कलर तो दो ही निकलेंगे मेरे हिसाब से। पहले एक साइड से कर लेते हैं ना। इनके बस की नहीं है जिंदगी में बेटा, पूरी मार्चिस लगाई थी। यार दी अभी तो अभी तो मेन आ रहा था धुआं उसमें। नीचे की साइड से भी उसमें धुआं बमू एकदम से आता है। दोनों साइड जला के अलग अलग कलर है। हाँ, जैसे मैं बना वैसे और ऐसे रहे, फोटो पोज दे दूंगी बस खत्म। ठीक है चल ऐसे वाले कर ले एक बार। चला चल, चिन फटेगा तो नहीं ना अभी? नहीं फटेगा यार दीदी, दूसरी साइड से फटेगा। सच में बहुत गर्म हो रहा है, तुम्हें पता ही है। तुम नीरू मेरे बालों की ना लेंथ पूरी नहीं आ रही जो तुमने फोटो खींची। बाल हैं कितने आपके सर में? अभी यहाँ से आगे पकड़, नीचे से जहाँ से मैंने पकड़ा है। साले हरा कलर डाल रहा है पूरा, दोनों हाथ से पकड़ना, अच्छे से पकड़। रुक जा एक मिनट ना, हरा लेके आना। रुक जा, हाँ चलो दीदी अभी मत चढ़ना, सर को बोलने ले स्टार्ट हो। चंदो हो गया ना, तू आ छोड़ दे, नीचे नहीं गिरेगा अटक गया। और नीचे ले, और नीचे ले, और नीचे ले दीदी। चंदो छोड़ दे, छोड़ चंदो। तू यहां आ, 1 2 3। हरा दिख ही नहीं रहा है, आ जाओ देख ले एक बार कुछ आया क्या। आगे नर बाली रंग बरसे, हरते से बोल दो आएंगे देर से, फिक्र सब छोड़ दो आज हक से अपने हिसाब में हम तो करने चले। शूट हो चुका है डन, और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ को, और मैं पूरी भूत बन चुकी हूँ। दो पार्ट आएंगे, चल भी तो आएगा, मेरे बाल भी एक पार्ट करके तो आएगा, थोड़ा सिनेमैटिक टाइप का। बैठो, इवन अगर कुछ उछाल लेती हूँ। यार मुझे एक बार मेरा फेस दिखा दो कि कैसा हो रहा है। मेरे बालों की पूरी गलंका लग चुकी है। अरे वो आ गया, सारा वॉश करना पड़ेगा। एड डिवाइस और ये टी शर्ट का कुछ ऐसा हाल है, डालने सब घर जाके फिर से डालना पड़ेगा। Thank you.
कनेक्ट फोन ले जी कनेक्ट ये मेरे ख्याल से जलेबी के बखर में वो भीगी हुई है नहीं जो नॉर्मल वाली गुजिया होती है वो है कि कुछ कलरफुल वाली है मिला के ला रखा मैंने तो ठीक है है पर वो चाशनी वाली है हां चाशनी में तो बल्कि नहीं इसमें कलरफुल लग रही है ना एक ऑरेंज कलर वाला मैंने मिला के ला रखा सो फ्रेंड्स मैं घर पहुंच गई हूं और मैंने अपना नहाना वगैरह कर लिया है और अपना फेस वॉश हेयर वॉश सब निपटा लिया है और अब मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूं और फेस पे से दाने दाने से भी होने लग गए कोई बात नहीं तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अगले होली वाले व्लॉग में तब तक के लिए स्टे ट्यून और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए हैप्पी होली गाइस बाय बाय स्टे ट्यून्ड